हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नेम है कैश लाइफ विद दीप। तो गाइज, आज दीप लेके आई है बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। क्या है ये? टिप्स है आप लोगों की जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा आज आप मुझे वही बना के खिलाओ। ये संडे का व्लॉग है और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ मेयोनीज को मैंने ऐड कर दिया है अपने सालसा डिप में। जो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था उसको मैंने यूज कर लिया इसमें। तो गाइज, अगर आपके पास सालसा डिप नहीं है और आपको खाना है सैंडविच, तो आपके लिए मैं बता रही हूं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक जो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक सॉस बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर मेयोनीज है आपके घर में तो मेयोनीज में मिलाइए दही और करिए उसमें सब्जियों को ग्रेट करके डालिए, जैसे जो भी आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं। और उसमें डालिए थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालिए, क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी होता है तो ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और स्प्रेड कीजिए अपने ब्रेड पे। तो गाइस, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या फिर लीजिए आप व्हाइट ब्रेड, ये आपकी चॉइस है। तो ये मैं बस, मेरे पास सालसा डिप पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो फिर आज इसी से काम चला लेती हूँ, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होती है ना, यही करती हैं, कुछ लेके कुछ नया कर देना हमारा काम होता है। तो मैंने आज यही किया, मैंने भी यही बनाया, इसको सैंडविच बना के रेडी कर दिया। और सैंडविच बनाने में मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं ब्रेड का सारा जो किनारा है वो निकालती नहीं हूं, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि मुझे सेल करना है, घर में ही रखना है, तो इसलिए मैं उसको मैंने काटा भी नहीं है और मैंने बना लिया है। और गाइज, मेरी एक आदत है ना, मैं जब काम करती हूँ किचन में, पूरा का पूरा मैं ना स्लैब साफ करती रहती हूँ, अपने गैस स्टोव को साफ करती हूँ, पूरी चीजों को मैं साफ करती रहती हूँ ताकि मेरी किचन ना नीट एंड क्लीन रहे, क्योंकि किचन मेरी नीट एंड क्लीन मुझे चाहिए। और यहां मैंने कर ली है अपनी सैंडविच की तैयारी और तैयारी में है। और एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, जो मेन चीज़ है, मैं ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि मैं आप बना के रख सकते हैं अपने घर में ग्रेवी। जो है वर्किंग लेडी जो है, अकेले रहते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, कोई बाहर रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टिप्स लेके आई हूँ। तो ये है एक दूसरा टिप जो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप ग्रेवी बना के रख लीजिए, आपको 15 डेज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है प्याज, हमें लेना है लहसुन, हमें लेना है टमाटर और हमें लेना है हरी मिर्च। और मैंने यहाँ पे सूखी मिर्च को ऑलरेडी विनेगर में भिगो के रख दिया है ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये आपको दिख रही होगी, ये मैंने यहाँ पे विनेगर और पानी दोनों में मिला के रखा है, क्योंकि विनेगर जब मिल जाएगा इस जो मैंने वो ग्रेवी बनाई है तो वो क्या करेगा, इसकी लाइफ को और बढ़ा देगा। यहाँ मैंने, आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने प्याज टमाटर और लहसुन को पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। आप पूछिए आप कैसे क्यों किया है, क्योंकि क्या होता है इससे जो है ना, जो टमाटर और प्याज और उसकी जो है स्मेल खत्म हो जाती है कच्चेपन की। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ग्रेवी में मुझे कच्चेपन की स्मेल आए, मुझे एकदम पसंद नहीं है। तो अगर आपको पसंद है वो फ्लेवर तो आप उबालिए मत, ऐसे ही पीस के रख लीजिए थोड़ा सा ऑयल में भून के। अदरवाइज अगर आप, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप इसको अच्छे से बॉयल कर लीजिए, ज़्यादा भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट आप उबलते पानी में छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए मैंने कर दिया यहाँ पर फ्लेम ऑफ और उसके बाद मैंने लिया है इसे निकाल। ठीक है, अब इसको मैंने, देखिए ये हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 5-10 मिनट भी नहीं लगे होंगे और ये रेडी हो चुका है पीसने के लिए। और जो इसकी स्मेल है, जो कच्चेपन की स्मेल है गाइस, बिल्कुल ही चली जाती है। और अब मैं करूँगी इसका पेस्ट बना के रख लूँगी मैं, क्योंकि स्कूल जाती थी तो मैं, ये देखिए पेस्ट बन के मेरा रेडी हो चुका है। आप इसे 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और इसको अगर फ्रीजर में रखना है तो आप बहुत दिन तक, 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं इसको। तो ये बहुत मतलब इजी होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी हमें खाना बनाना होता है, बस थोड़ा सा तेल डालो, फ्राई करो और सब्जी बनके रेडी। यहाँ पे मैंने कर लिया है फ्रूट्स और सब्जियों को साफ और देखिए मेरी किचन कितनी साफ लग रही है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके काम कम हो जाते हैं और आपके पास टाइम बच जाता है। तो ये ग्रेवी कैसी लगी आप लोगों की, ये ट्रिक कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो बना के रखते हैं वो भी मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।